आज हमारे ग्रुप राइड्स ऑफ राइडर्स ने शंकरगढ़ हिल्स, जो कि देवास बाईपास पर स्थित है, वहाँ विजिट करने का प्लान बनाया था। इंदौर से ज़्यादा दूरी नहीं होने की वजह से हम 6:30 बजे सुबह निकलकर 7 बजे तक शंकरगढ़ हिल्स पहुँच गए थे। हम करीब करीब 25 लोग थे और 20 बाइक्स थी। देवास बाईपास से राइट मुड़ने के बाद जो रास्ता शंकरगढ़ हिल्स पहुंचता है, वो बारिश की वजह से काफ़ी कीचड़ से भरा हुआ हो गया था, जिसकी वजह से ऑफ रोड का अच्छा एक्सपीरियंस होने के बावजूद काफ़ी हमारे साथी राइडर्स को राइड करने में दिक्कत आई। इस पॉइंट पर अपहिल राइड करते समय मुझे भी लगा था कि शायद मैं बैलेंस नहीं बना पाऊंगा। आपको वीडियो में ठीक से दिख नहीं पा रहा है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा डीप काली मिट्टी थी, जिस पर बाइक्स बड़ी आसानी से फिसल जाती हैं। और ये हम पहुंच गए शंकरगढ़ हिल्स की पार्किंग में। शंकरगढ़ हिल्स की पार्किंग से शंकरगढ़ हिल के टॉप तक जाने के लिए एक अच्छा ट्रैक है, जिस पे आप पैदल जा सकते हैं और 10 से 15 मिनट में ऊपर तक पहुंच सकते हैं। एक दूसरा रास्ता भी है जो अभी कच्चा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो गाड़ियों के लिए है और करीब करीब 4 किलोमीटर लंबा है। जो पैदल ट्रैक वाला रास्ता है, हमने वहीं थोड़ा सा ऊपर जाके वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करी, जो कि वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के लिए बहुत ही एक अच्छा स्पॉट है। और फिर उसके बाद हम लोग ये डिसाइड करने में लग गए कि बाइक से हमें कच्चा रास्ता लेते हुए ऊपर जाना चाहिए या पैदल ही जाना चाहिए। ठीक तरह से हम लोग अपना माइंड मेकअप नहीं कर पा रहे थे। आधे लोगों ने तय किया वो बाइक से आगे बढ़ेंगे, बाकी आधे लोग पैदल ऊपर चले गए। देखिए दोस्तों, जिस तरह का ये स्लोप आप देख रहे हैं, शायद वीडियो में ये ढलान कितनी स्टीप है ये समझ में नहीं आ रही होगी, बट ऐसी ढलान पर स्पीड में ब्रेक लगाना बड़ा रिस्की हो सकता है, कंट्रोलिंग मुश्किल होती है। उसके लिए आपको एक बहुत इजी ट्रिक बता दूं कि आप अपने गाड़ी का पहला गियर डाल लें और क्लच छोड़कर उस गाड़ी को धीरे धीरे जाना दें। वो ऑटोमेटिकली स्पीड नहीं पकड़ेगी और एक बड़ा अच्छा ट्रैक्शन आपकी गाड़ी में बन जाएगा। और एक थंब रूल और है कि जिस ढलान पर आप चढ़ते समय जो गियर लगाते, उस ढलान पर उतरते समय भी आपको वही गियर लगा के उतरना है। ये रूल अगर आप फॉलो करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा जो ओवर स्पीडिंग कई बार हो जाती है जाने अनजाने ढलानों पर, उससे आप बच जाएंगे।
जो कच्चा रास्ता वाहनों के लिए ऊपर जाता है वह हमें पता लगा कि बारिश की वजह से बंद कर दिया गया है, क्योंकि कीचड़ की वजह से किसी भी तरह की गाड़ी का चलना वहाँ पॉसिबल नहीं था। लेकिन उन्होंने हमें यह भी ऑप्शन दिया कि आप अगर चाहें तो खुद जाके ऊपर तक देख सकते हैं। तो हमने सोचा जहाँ तक गाड़ियाँ जा सकती हैं एक बार ले जाके देखते हैं, शायद हो सकता है कि ये वन विभाग के अधिकारी हमें अंडर एस्टिमेट करते हुए नहीं जाने की सलाह दे रहे हैं। ये बहुत अच्छा हुआ जो शुरुआत में ही हमें समझ में आ गया कि अगर हम आगे बढ़ते हैं तो कीचड़ की वजह से हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। ये जो आप KTM देख रहे हैं ये हमारे राहुल जगतप भाई की है जो इसे आगे ले गए थे। राहुल जगतप भाई नेक्सा शोरूम में मैनेजर हैं इंदौर में, और उन्हें लौटते समय अपनी KTM के मडगार्ड्स खोल कर लाने पड़े कीचड़ फंसने की वजह से। दोस्तों इस समय ये ड्रोन मैंने ये देखने के लिए उड़ाया था कि राहुल जगतप भाई जो आगे चले गए हैं वो किसी मुसीबत में तो नहीं फंसे हैं, लेकिन नज़ारे इतने अच्छे लगे कि मैंने सोचा कि पहले नज़ारे शूट करें। राहुल जगतप भाई बड़े काबिल राइडर हैं। ठीक है, नज़ारों के बाद मैंने रास्तों के ऊपर से अपना ड्रोन आगे बढ़ाया, और अगर इन रास्तों को आप ठीक से देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि शंकरगढ़ हिल्स का रास्तों का नेटवर्क किस तरह का है। और रास्तों पर देखते देखते मुझे राहुल जगतप भाई भी दिख गए जो अपनी मोटरसाइकिल के साथ मशक्कत कर रहे थे। बनी बात थी कि उनकी, देखिए ध्यान से देखिए, उनका अगला टायर घूमना बंद हो गया है। ठीक है, वो आगे पीछे बड़ी मुश्किल से कर पा रहे हैं अपनी बाइक को, क्योंकि उनके मडगार्ड और टायर के बीच में मिट्टी फंस चुकी है और टायर को ब्लॉक कर दिया है। राहुल भाई इतनी ज़्यादा मशक्कत कर रहे थे उस समय कि मैंने जब उनसे बाद में पूछा कि राहुल भाई ड्रोन आपने देखा होगा, तो उन्होंने बाद में बताया कि उनका ध्यान ही नहीं गया कि उनके सर के ऊपर ड्रोन उड़ रहा था। इस बीच मैंने राहुल भाई को फ़ोन करके पूछ लिया था कि उन्हें किसी मदद की ज़रूरत तो नहीं है, तो राहुल भाई ने हमें स्ट्रिक्टली आगे आने को मना करा, क्योंकि वो ये समझ गए थे कि अगर लोग आगे आएंगे तो उनकी गाड़ियाँ भी इसी तरह से फंस जाएंगी जिन्हें निकालना मुश्किल होगा। तो उन्होंने मुझसे कहा कि वो मैनेज कर लेंगे। उनके ऐसा कहने के बाद मैंने सोचा कि ड्रोन इतनी ऊपर चला गया है तो क्यों ना ये सर्किट पूरा कर लिया जाए शंकरगढ़ हिल के रास्तों का। तो फिर मैंने अपना ड्रोन आगे बढ़ाया। दोस्तों बारिश के अलावा दूसरे मौसमों में इन रास्तों पर कार लाना भी बड़ा आसान होता है, लेकिन अभी बारिश और काली मिट्टी की वजह से यहाँ बाइक लाने में भी बड़ी दिक्कत आ रही है।
ड्रोन के आगे जाने पर मुझे अपने कुछ राइडर साथी दिखे जो कि पैदल ट्रैक करके ऊपर गए थे। जब उनमें से सजग भाई ने मेरा ड्रोन देखा तो वो कुछ पूछना चाह रहे थे, तो मैंने उन्हें कॉल कर लिया। तो उनका स्टेटमेंट था कि वाह निलय भाई, ये आपका वीडियो कॉल करने का नया तरीका है, ड्रोन में से देखते हुए आप कॉल पे मुझसे बात कर रहे हैं। और बात ख़त्म होने के बाद मैंने अपना ड्रोन नीचे की तरफ बढ़ाया जो कि ऊपर चढ़ने का पैदल रास्ता है। फिर से ड्रोन पहुंच गया शंकरगढ़ हिल्स की पार्किंग की जगह पर, जहां से कि हम लोग सोच विचार करने के बाद आगे बढ़े थे। हमने इस जगह पर खड़े होकर राहुल भाई का करीब आधे घंटे वेट करा था, बट दोस्तों के साथ, अपने को राइडर्स के साथ वक्त कैसे निकल जाता है पता नहीं लगता। और ऐसी जगहों पर आकर जो अनप्लान्ड वे में आप जिस तरह से खड़े होते हैं और अपने दोस्तों से बतियाते हैं, तब आपको समझ में आता है कि एग्जैक्टली आप राइड करने नहीं आते हो, आप आते हो कुछ ऐसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करने जो आप ही की तरह का पैशन शेयर करते हैं। और इनसे बातें करके, वो अलग बात है कि वो अलग प्लेटफॉर्म अलग प्रोफेशन से आए हैं, बट उनके साथ टाइम स्पेंड करके आप आने वाले वीक के लिए तैयार होते हो, एक छोटा रिचार्ज, एक वीकली रिचार्ज करते हो खुद का।